अभी संक्रांत आने वाली है, अभी पतंग का जो है जुनून अभी सर पर चढ़ रहा है लोगों के, लेकिन जो मांझा जो है जिस पे पाबंदी है, क्या वो मार्केट में मिल रहा है या बंद है? अभी तो फिलहाल हम लोगों को प्रशासन ने जो ऑर्डर दिया है कि वो मांझा दिखना नहीं चाहिए, हम लोगों ने तो देखे हुए भी कम से कम एक साल से ज़्यादा हो गया है, एक साल से तो यहाँ ये मार्केट में बिका नहीं, लेकिन ये सिल्लर चैनल वाले जो है ना ये कुछ भी अफवाह उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ माल मिल रहा है, जबकि हम लोगों के यहाँ पे 100% शुद्ध कॉटन मांझा मिलता है। उसके अंदर हमारे पास जो कम से कम कॉटन मांझे में 50 के ऊपर प्रकार हमारे पास अवेलेबल है, तो वो एक आइटम के वजह से हम लोगों भी दो नंबर में आ जा रहे हैं, इसलिए वो आइटम बेचते ही नहीं है हम लोग। कॉटन के अंदर आपको इतने आइटम देंगे हम कि करीब करीब 50 से 60 आइटम मेरी दुकान में अवेलेबल है जी। अभी इसमें कैसा हो रहा है देखो, पतंग उड़ाने का शौक़ जो है वो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन बेगुनाहों की उसमें जान जा रही है, कुछ लोग आपस में अपंग हो रहे हैं, तो इस पर एहतियात करने के लिए जब आप पतंग बेचते हैं तो ग्राहकों कुछ ताकीद करते हैं क्या? ताकीद ये करते हैं हम कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन मांझा उड़ाए, पूरा नायलॉन का मांझा उड़ाना है तो पतंग ही मत उड़ाना, उसके ऊपर कॉटन मांझे के ऊपर पतंग उड़ाइए, उससे किसी को तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि वो मांझा जो है जब खत्म हो जाता है, पतंग कटा तो वो मांझा खत्म हो जाता है, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक सवाल यह है अभी, क्या अभी 14 तारीख को संक्रांत आने वाली है, तो इसमें अलग अलग तरह के पतंग आए हुए हैं मार्केट में? मार्केट में मेरे पास तो भी बहुत सारी पतंगें मिल जाएंगी, और भी पतंगें बहुत आई है, गुजरात की आई है, जयपुर की आई है, बरेली की आई है, लखनऊ की पतंगें हमारे पास अवेलेबल है, सब पतंगें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसमें दाम कम हुए या ज़्यादा है? नहीं, दाम तो उसके अंदर बहुत सारे बढ़े हैं, कॉटन के अंदर भी करीब करीब लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल में 30% की बढ़ोतरी आई है कॉटन के वजह से। तो इसमें क्या GST भी लगता है क्या? GST आता है, पूरा पक्के में माल आता है ना, बाहर से पूरा जो आता है ना पूरा GST में माल आता है, इसको गवर्नमेंट ने जो है तो हम लोगों को फ्री करना चाहिए, क्योंकि पतंग का ये स्पोर्ट्स के अंदर आता है, स्पोर्ट्स के आइटम के अंदर भी हम लोगों को GST लगता है पूरा। ये कौन सा इलाका आता है, कहाँ पर है पतंग मार्केट? ये पतंग मार्केट राजा बाजार, हीना पतंग राजा बाजार सर्कल के ऊपर ही दुकान है हम लोगों की। आपका नाम? मेरा नाम है मुदस्सिर अहमद। पुलिस वाले बहुत अच्छा कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत खुश है हम लोग पुलिस वालों से, प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है कि जहाँ चाइना मांझा मिला हो उसको पकड़ ले, हमारे को बहुत अच्छा दिखा ये बात, यानी ये कार्रवाई हो रही है। हाँ, कार्रवाई बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही और बहुत अच्छे देख रेख कर रहे हो, तो यानी कि कंट्रोल में आ गया है अभी? कंट्रोल में आ गया बिल्कुल, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम करा ये साल, बहुत अच्छा काम करा। तो प्रशासन ने क्या नोटिस दी है? हाँ, नोटिस दिया, ये नोटिस है। ये वीडियो आएंगी क्या माला?